अगर फ्रेंड्स आपके पास Redmi का Note 12 Pro है, आप इस फोन के अंदर फोटो या वीडियो को हाइड करना चाहते हो, तो इस फोन में आपको दो तरीके मिलते हैं फोटो और वीडियो हाइड करने के, जिनके बारे में आज आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। आपके फोन की गैलरी आएगी, वो सबसे पहले आपको ओपन कर लेनी है। यहाँ कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तब अब आपको एल्बम पे पहले क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको प्लस का आइकन यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। एक एल्बम को आप बना के यहाँ पे एल्बम को पूरा हाइड कर सकते हो, जिसमें आपके फोटो वीडियो हाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप नाम वगैरह डाल दीजिए इसको और ओके कीजिए। अब आपके सामने वो सभी फोटो और वीडियो देखने को मिलेंगे जिनको आप हाइड कर सकते हो, तो यहाँ सभी से हो जाते हैं। एल्बम पर क्लिक करके उस फोल्डर में से आप फोटो और वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप हाइड करना चाहते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ से इस वीडियो को हाइड करना चाहता हूँ, तो इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इस आइकन पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा मूव करना या फिर कॉपी, तो यहाँ पे आप मूव कीजिए। मूव करने पर जो भी आपने फोल्डर बनाया था उसके अंदर ये फोटो और वीडियो आपके आ जाएंगे, जो भी आपने सेलेक्ट किए थे। अब इसको हाइड करने के लिए इस पर टैप एंड होल्ड कीजिए। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हाइड का एक ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा। अब आप इसको हाइड करना चाहते हो तो इस पर टैप एंड होल्ड करके रखिए, और यहाँ आपको फिर देखने को मिलेगा मेक प्राइवेट, इस पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। तो आपका पूरा फोल्डर ये गायब हो जाता है। अब इसको देखने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए और सेटिंग में जाइए। यहाँ आपको देखने को मिलेगा व्यू हिडन एल्बम, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से अपने फोटो और वीडियो को बहुत आसानी से देख सकते हो। अनहाइड करने के लिए यहाँ क्लिक कर दीजिए तो ये अनहाइड हो जाता है। एक तो ये तरीका रहता है, दूसरा एक और रहता है, जिसके लिए आपको पहले ये फोन IMEI अकाउंट से साइन इन करना होगा, जिसकी वजह आपकी गैलरी वहीं पर आने पर आपको वन फिंगर से डाउन करना है और आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो आप ओके कीजिए, एक प्राइवेसी पासवर्ड बना लीजिए, जो भी आप बनाना चाहते हैं प्राइवेसी पासवर्ड उसको बना लीजिए एंड ओके कीजिए। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से IMEI अकाउंट से साइन इन करने के लिए बोला जाएगा, तो कर लीजिए पहले इसको। जिसके बाद आपको क्या करना है, एक और तरीका रहता है, चलिए वो बता देता हूँ। तो यहाँ से वापस आइए, उस फोल्डर में जाइए जिसमें से अपने फोटो और वीडियो को आप ऐड करना चाहते हो, इसके बाद इस पर टैप एंड होल्ड करके रखिए। जिसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको ऐड टू एल्बम, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको प्राइवेट एल्बम देखने को मिलेगी जब आप ना इस फोन के अंदर IMEI अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से आप प्राइवेट एल्बम क्लिक करके इन फोटो को भी हाइड कर पाओगे। एक्सेस करने के लिए वन फिंगर डाउन कीजिए तो आप उनको बाद में देख पाओगे। तो इस तरह से इस फोन के अंदर फोटो और वीडियो को बहुत आसानी से आप हाइड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।